सो हे गाइस, सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखिए। अगर आप लोग भी कुछ इस टाइप का वीडियो एडिट करना चाहते हो भी बहुत ही आसान तरीके से, तो आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लीजिएगा, तो आप लोग भी कुछ इस टाइप का वीडियो एडिटिंग करना सीख जाएंगे। कैसे आप लोग अपने वीडियो को कलर ग्रेडिंग एंड फास्ट एंड स्लो कर सकते हो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे कैपकट को ओपन कर लेना होगा। इसको ओपन करने से पहले आप लोग कोई भी वीपीएन का यूज कर लीजिएगा एंड ऊपर यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इस पर क्लिक कर देने बाद जिस वीडियो को एडिट करना होगा उस वीडियो को हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो मैं इस वीडियो को यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इस पर क्लिक करके इस वीडियो को यहाँ से ऐड कर लेना है, ठीक है। ऐड करने बाद दोस्तों सबसे पहले क्या करना होगा, आप लोग को यहाँ पे आ जाना है एंड यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले लास्ट में आ जाना होगा और यहाँ पे कैपकट का लोगो हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे लोगो पे क्लिक करके इसको हम लोग डिलीट कर देंगे। तो नीचे यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन होगा, तो इस पर क्लिक करके इसको डिलीट कर देना है, ठीक है। एंड इसको डिलीट कर देने बाद आप लोग को इधर आ जाना है, ठीक है। इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। एंड बड़ा कर लेने बाद आप लोग को सबसे पहले आप लोग को वहाँ पे आना है जहाँ से आप लोग का वीडियो स्टार्ट होगा, ठीक है। तो हम लोग मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, हम लोग का वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का वीडियो स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे वीडियो पर टैप कर देना है, ठीक है। टैप करने व नीचे यहाँ पे स्पील्ड का ऑप्शन होगा, तो स्पील्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको कट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ से कट हो चुका है एंड यहाँ पे जो बाहरी हिस्सा है हम लोग इसको यहाँ पे टैप करके इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे डिलीट कर देंगे, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे डिलीट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा तो वीडियो डिलीट हो जाएगा एंड हम लोग का वीडियो यहाँ से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोग का वीडियो जो है स्टार्ट हो चुका है। तो इसके वजह से आप लोग को देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से, जहाँ भी आप लोग को स्लो मोशन ऐड करना होगा वहाँ पे आप लोग इसको रोक लीजिएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे स्लो मोशन ऐड करना है तो यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। और फिर से वीडियो पर टैप कर देना है, ठीक है। और टैप करने वो नीचे यहाँ पे स्पील्ड पे क्लिक कर देना है और इस पर क्लिक कर देना, इसको कट कर लेना होगा और थोड़ा सा आगे बढ़ाकर रोक लेना है और इसको बड़ा करके, ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं। एंड फिर इसके बाद यहाँ पे टैप कर देना है, ठीक है। और टैप करने बाद दोस्तों नीचे यहाँ पे स्पील्ड का ऑप्शन होगा तो स्पील्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इसके बाद आप लोग को क्या करना होगा, फिर से आप लोग को कुछ आगे तक जाना है एंड जहाँ भी स्लो मोशन ऐड करना होगा वहाँ पे इसको रोक लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं रोक लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं पैर जो नीचे आ रहा है यहाँ पे रख लेना है और फिर से यहाँ पे वीडियो पे टैप कर देना है, ठीक है। एंड वीडियो पे टैप कर देना, फिर से नीचे यहाँ पे स्पील्ड लिखा हुआ था स्पील्ड पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो कट हो जाएगा एंड फिर थोड़ा सा आगे कर लेंगे और फिर से नीचे यहाँ पे वीडियो पर टैप करके नीचे स्पील्ड पे क्लिक करके इसको कट कर लेना है। इसी तरीके से आप लोग को कट कर लेना होगा एंड आप लोग का जहाँ भी कट लगा वहाँ पे स्लो मोशन ऐड करना है, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, यहाँ पे देख सकते हैं फर्स्ट वाले पे आ जाना है और इसको बड़ा करके यहाँ पे जो बीच में हिस्सा है इस पर टैप कर देना है, ठीक है। और इस पर टैप कर देने के बाद नीचे यहाँ पे स्पीड का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो स्पीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देना, फिर से नीचे यहाँ पे नॉर्मल लिखा है तो नॉर्मल पर क्लिक कर देना होगा। और इस पर क्लिक कर देने बाद आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे 1x लिखा है इसको 0.1x पे रख लेना है, ठीक है। और नीचे यहाँ पे स्मूथ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना होगा और इसको बेटर क्वालिटी पे रख लेना है, ठीक है। तो बेटर क्वालिटी पे क्लिक कर देना है एंड इसके बाद नीचे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। तो कुछ टाइम का प्रोसेसिंग लेगा एंड आप लोग का वीडियो काफ़ी अच्छे तरीके से स्लो मोशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आप लोग को सेम प्रोसेस इस वाले यहाँ भी कर लेना है, ठीक है। इस पर आप लोग को टैप करके वही सेम प्रोसेस करना होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को टैप कर लेना होगा एंड नीचे यहाँ पे स्पीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड इस पर क्लिक कर देना, फिर से नीचे यहाँ पे नॉर्मल पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लिक कर देने बाद इसको 0.1x पे रख लेना होगा और फिर से नीचे यहाँ पे बेटर क्वालिटी पे इसको रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से बेटर क्वालिटी पे रख लेना होगा, ठीक है। एंड इस पर क्लिक कर देना, फिर से नीचे यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको भी सेव कर लेना है, ठीक है। तो आप लोग के वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से स्लो मोशन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से स्लो मोशन ऐड कर लेना है, ठीक है, पूरे वीडियो में जहाँ भी आप लोग का स्लो मोशन ऐड करना होगा। एंड ऐड कर लेने बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आप लोग को वीडियो भी स्टार्ट करके दिखा दूंगा
काफी अच्छे तरीके से हम लोग को वीडियो में जो है स्लो मोशन ऐड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम लोग दूसरा स्टेप करेंगे, वीडियो को कलर ग्रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो मैं आप लोग को बताऊंगा कैसे आप लोग अपने वीडियो में कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप लोग को स्टार्टिंग में आ जाना है, एंड स्टार्टिंग में आने के बाद सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आ जाना, ठीक है। एंड यहाँ पे आने वाले नीचे बहुत सारा ऑप्शन है, तो आप लोग को यहाँ पे नीचे एडजस्ट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो एडजस्ट पे क्लिक कर देना है, एंड इस पर क्लिक कर देने के बाद यहाँ पे आ जाना है। एंड यहाँ पे आने के बाद नीचे आप लोग का ग्राफ्स का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे तो ग्राफ्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे व्हाइट कलर को सेलेक्ट कर लेना है और 1 डॉट 2 डॉट एंड 3 डॉट बना लेना है, ठीक है, यहाँ पे बीच में, ठीक है। तो आप लोग 3 डॉट बना लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप लोग को सबसे पहले इस वाले डॉट को नीचे करेंगे तो हाईलाइट कम होगा, एंड इसको हम लोग थोड़ा सा बीच में रख लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा नीचे कर लेंगे तो हम लोग का लाइट एडजस्ट हो जाएगा, और इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे, ठीक है। एंड इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेंगे, और इसके बाद इसको थोड़ा सा हम लोग नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इतना कर लेने के बाद फिर से यहाँ पे बैक आ जाना होगा, एंड बैक आने के बाद आप लोग को क्या करना है मैं आप लोग को भी बताता हूँ। यहाँ से बैक आ जाना है, ठीक है। एंड इसके बाद बैक आने के बाद आप लोग को यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आने पर सबसे पहले ब्राइटनेस पे क्लिक कर देना है। ब्राइटनेस को हम लोग थोड़ा सा इंक्रीज कर लेंगे +5 के करीब, एंड कंट्रास्ट पे क्लिक करके इसको भी इंक्रीज कर लेना है +16 के करीब, और यहाँ पे ब्रिलियंस को कम कर लेना है -14 के करीब, और शार्पन पे क्लिक करके इसको भी इंक्रीज कर लेना है +14 के करीब। एंड इसके बाद आप लोग को यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद हाईलाइट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हाईलाइट को हम लोग कम कर लेंगे, ठीक है। इस पर क्लिक करके इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे -10 के करीब, और शैडोज को हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे -10 के करीब, ठीक है। और टेम्परेचर पे क्लिक करके इसको इंक्रीज कर लेंगे, ठीक है, +10 के करीब रख लेना है, और नीचे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको सेव कर लेना है। और सेव करने के बाद दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हम लोग का वीडियो में जो काफ़ी अच्छे तरीके से कलर ग्रेडिंग ऐड हो चुका है, ठीक है। तो इतना कर लेने के बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोग को डायमंड इफेक्ट लगाना है, तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, स्टार्टिंग में लगाने के लिए नीचे यहाँ पे इफेक्ट का ऑप्शन होगा, ठीक है। तो नीचे यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक कर देना होगा, और यहाँ पे वीडियो इफेक्ट का ऑप्शन होगा, तो वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग आ जाएंगे, यहाँ पे आने के बाद आप लोग का बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डायमंड इफेक्ट को लगाएंगे, तो आप लोग देख सकते हैं सबसे ऊपर यहाँ पे लास्ट में देख सकते हैं यहाँ पे डायमंड इफेक्ट है, तो हम लोग को इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इस पर क्लिक कर देने बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोग को वीडियो में जो काफ़ी अच्छे तरीके से ऐड हो चुका है। तो आप लोग इसकी स्पीड भी एडजस्ट कर सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका साइज इंक्रीज कर दूंगा, और इसको हम लोग थोड़ा सा हम लोग कम कर लेंगे, ठीक है, या तो पूरा कम कर लेंगे, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इतना कर लेने के बाद दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, इसको यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक है। एंड सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाना है, आप देख सकते हैं वीडियो को पूरा आधा तक चला गया, तो इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा कम कर लेंगे, जहाँ तक इसको रखना होगा वहाँ तक इसको रख लेना है, ठीक है। तो यहाँ तक मैं रखूँगा, ठीक है, यहाँ तक रखने के लिए देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ऐड हो चुका है। तो मैं अभी आप लोग को दिखा देता हूँ, हम लोग को जो वीडियो में देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से डायमंड इफेक्ट जो है ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे इफेक्ट को ऐड कर लेने के बाद मैं आप लोग को बताऊँगा कैसे आप लोग एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं जूम इफेक्ट वाला। तो इसके लिए आप लोग को वीडियो पर यहाँ पर टैप कर देना होगा, एंड टैप कर देने के बाद दोस्तों यहाँ पर एनिमेशन लिखा हुआ, ठीक है, तो एनिमेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। एंड इस पर क्लिक कर देने बाद आप लोग को कुछ टाइम का प्रोसेसिंग लेगा, एंड इसके बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, तो आप लोग को यहाँ पे कॉम्बो पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड कॉम्बो पे क्लिक कर देने बाद आप लोग को यहाँ पे आ जाना है, और यहाँ पे आने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन है, तो हम लोग इस वाले ऑप्शन पे तीसरे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो हम लोग इस वाले इफेक्ट को एनिमेशन को ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ से ऐड कर लेते हैं, और ऐड कर लेने बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाए, फिर से यहाँ पे हम लोग को एनिमेशन देना है, तो इसके लिए फिर से नीचे यहाँ पे एनिमेशन पे क्लिक कर देना होगा। एंड इस पर क्लिक कर देने बाद हम लोग इन में यहाँ पे सेकंड नंबर वाले पे क्लिक कर देना है, ठीक है। हम लोग इसको सेम रख लेंगे थोड़ा सा 1.2 सेकेंड के करीब, और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का एनिमेशन जो है वीडियो में काफ़ी अच्छे तरीके से ऐड हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आप लोग अपने वीडियो में एनिमेशन ऐड कर सकते हैं, ठीक है।
और आप लोग को ट्रिपल लेयर वीडियो एडिट करना है तो उसके लिए मैं आप लोग को बता देता हूँ कि कैसे आप लोग एडिट करेंगे, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीट वॉच करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं हम लोग का जो एनिमेशन ऐड हो चुका है, एंड इसके बाद मैं आप लोग को ट्रिपल लेयर बता दूंगा कि कैसे आप लोग एडिट करना है वन क्लिक में ही। इसके लिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग को क्या करना होगा, फिर से नीचे यहाँ पे इफेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड इस पर क्लिक कर देना है, फिर से यहाँ पे आ जाना है और वीडियो इफेक्ट पे क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पे आप लोग को बहुत सारा एनिमेशन देखने को मिल जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं ट्रिपल लेयर का लिखा हुआ, ठीक है। इस पर आप लोग को क्लिक कर देना है, ठीक है। फिर से दोबारा इसी पे क्लिक करके आप लोग इसका फिल्टर को जीरो कर लीजिएगा और इसको आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो मैं इसको 43 के आसपास रख लूँगा और आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग को वीडियो में जो है काफ़ी अच्छे तरीके से ट्रिपल लेयर ऐड हो चुका है, ठीक है। इसके बाद इसको सेव कर लेना है एंड इसके बाद दोस्तों आप लोग यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। एंड आप लोग को कोई और भी इफेक्ट को ऐड करना होगा या इसको हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं, ठीक है। ज़्यादा नहीं रखना है अपने वीडियो में, तो इतना तक रख लेना है, ठीक है। एंड इतना रख लेने के बाद आप लोग इसको थोड़ा सा इंक्रीज करके डिक्रीज भी कर सकते हैं, आप लोग अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके बाद दोस्तों आप लोग को और भी इफेक्ट को ऐड करना है तो इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, बैक आ जाना होगा, ठीक है। एंड इसके बाद फिर से आप लोग को यहाँ पे वीडियो इफेक्ट पे, यहाँ पे बॉडी इफेक्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे क्लिक कर देना है तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का फर्स्ट वाला एनिमेशन यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से आ चुका है। ये वाला भी एनिमेशन आप लोग ऐड कर सकते हैं, आप लोग को वीडियो में काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। एंड आप लोग को मैं एक और एनिमेशन बता देता हूँ, उस वाले एनिमेशन को भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग का वीडियो में जो ये वाला एनिमेशन है इसको भी हम लोग ऐड कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग इस वाले एनिमेशन को भी ऐड कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आएगा, तो वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। एंड इतना कर लेने के बाद दोस्तों इसको यहाँ से सेव कर लेना होगा और सेव करने के बाद दोस्तों मैं आप लोग को अभी वीडियो स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ से देख सकते हैं हम लोग का वीडियो जो है काफ़ी अच्छे तरीके से एडिट हो चुका है, ठीक है। तो आप लोग भी कुछ इस तरीके से अपने वीडियो को एडिट कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का वीडियो जो है एडिट हो चुका है, इसको सेव करने के लिए यहाँ पे 1080 पे क्लिक कर देना होगा और हम लोग इसका सेटिंग जो 4K पे रख लेना है, 60 FPS पे रख लेना है, इसको भी इंक्रीज कर लेना है और इसके बाद इसको यहाँ से सेव कर लेना है, ठीक है।